धोनी से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। दुनिया से अपना यह दर्द छुपाकर खेलते रहे थे विश्व कप। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार चर्चाओं में बने रहने वाले धोनी बीते कुछ समय से छुट्टियों पर चल रहे हैं। विश्व कप में खराब खेल और सेमीफाइनल में हारकर भारत हो जाने के बाद माही के संन्यास की खबरें भी जमकर वायरल होने लगी थी। कयास लगाए जा रहे थे कि टीम इंडिया का सबसे सफल कप्तान कब अपना बला और विकेट कीपिंग दस्ताने टांगेगा। रांची का यह राजकुमार फिलहाल खुद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। वह बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में भी नहीं खेलेंगे। उन्होंने अपना ब्रेक नवंबर तक बढ़ा लिया है। इसी क्रम में उन्हें लेकर बढ़ता जा रहा संशय और गहराता जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से विश्व कप में धोनी के बले की खामोशी का कारण भी पता लग चुका है। चर्चा है कि वर्ल्ड कप के दौरान धोनी चोटिल शरीर से पूरा टूर्नामेंट खेलते रहे। उनके पीठ में चोट लगी थी जो मैच दर मैच बढ़ते गई। इसके साथ ही विश्व कप में उनकी कलाई में भी चोट लग गई थी। माना जा रहा है कि इन्हीं चोटों के कारण ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। धोनी ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच जुलाई में विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान लगी चोटों के कारण ही धोनी क्रिकेट से दूर हैं। धोनी वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम के साथ वेस्ट इंडीज दौरे पर भी नहीं गए थे। इसके बजाय वह सेना के साथ ट्रेनिंग में व्यस्त रहे। धोनी इसके बाद वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में भी नहीं खेले थे। अब खबरें हैं कि दिसंबर में जब वेस्ट इंडीज की टीम भारत का दौरा करेगी तब टी20 इंटरनेशनल सीरीज में धोनी टीम में वापसी कर सकते हैं। शायद यह उनके करियर की आखिरी सीरीज भी हो।